दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 5000 से ज़्यादा टीचरों को बड़ी राहत देते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन टीचरों के तबादले पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से LG और BJP पर हमला बोल रही थी। रविवार को LG ने BJP नेताओं के साथ आए टीचरों और टीचर्स संगठन के प्रतिनिधियों से राजनिवास पर मुलाकात की और उसी के बाद तबादले के आदेश को स्थगित करने का निर्देश दिया। LG ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों के वास्ते लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित दिए गए आदेशों पर सहानुभूतिपूर्ण, समग्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने अंतरिम तौर पर आदेशों को स्थगित करने का निर्देश दिया है। LG को कई सरकारी स्कूल शिक्षक संघों से कई ज्ञापन मिले थे और आज इसी बारे में राजनिवास में उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ कि उनका संघर्ष सफल रहा। आज सुबह दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जो 2 जुलाई को इशू हुए गलत ट्रांसफर ऑर्डर, जिसके तहत 5000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था, आज इस ऑर्डर के माध्यम से उस ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। इस पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्लीवासियों की जीत बताया और सामूहिक तबादलों के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का आरोप भी लगाया। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्लीवासियों का संघर्ष सफल रहा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल हो गई। आतिशी ने कहा कि 2 जुलाई को भाजपा ने LG के जरिए रातों रात दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5000 से ज़्यादा शिक्षकों का तबादला करवा दिया था। तब मैंने अपने शिक्षकों, बच्चों और उनके अभिभावकों से वादा किया था कि हम शिक्षा क्रांति को नुकसान पहुंचाने की इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने 2 जुलाई को देर रात 5000 से ज़्यादा शिक्षकों का तबादला कर दिया था। शिक्षा मंत्री आतिशी ने निदेशालय के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निदेशालय के आदेश के तहत 1009 विविध शिक्षक, 847 PGT और 3150 TGT शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था। इसमें PET, संगीत शिक्षक, सहायक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कई दूसरे शिक्षक भी शामिल थे।